हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे ऐसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन का पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि सॉल्यूशन कैसे कहा जाता है, कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग कम्प्लीटली इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी पर हम लोगों का फोकस रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग किसका किसका निकालेंगे, हम लोग आज के क्लास में निकालेंगे एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, यानी कि तीन टाइप जो है एसिड, बेस और सॉल्ट, इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर में भी बहुत बार पूछा जाता है या फिर मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उसमें भी बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ समझेंगे अच्छी तरीके से कि किसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं और कैसे इसे निकाला जाता है एसिड, बेस और सॉल्ट के केस में। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किससे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, पहला क्या केस मेरा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इसमें छोटा सा डिफिनेशन अभी हम लोग देखते हैं। एसिड किसे कहते हैं, जो H+ आयन वाटर में देगा, कौन देगा, यदि कोई भी कंपाउंड जो सब्सटेंस है यदि H+ आयन वाटर में दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जब हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम देखा था उसमें से हम लोग सीखे थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालने के टर्म में एक छोटा सा समझते हैं कि एसिड क्या होता है कि जो H+ आयन वाटर में देगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड यदि हम लोग को निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, वो एसिड का टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, उस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा। अब एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इज ESCl, यानी कि E क्या है, इक्विवेलेंट वेट HCl, यानी कि HCl का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो HCl का सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड उसको डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड से। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड क्या क्या हो जाएगा, H+Cl। तो H का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और बेसिसिटी कितना होता है HCl का, वो होता है 1, यानी कि 36.5। इसका क्या निकल गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना होगा, 36.5। इसी तरीके से यदि हम लोग दूसरा देखें, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है मेरा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम अब किसका निकालेंगे, H2SO4 का। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होगा, सबसे पहले जरूरत होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, ये H2SO4 का टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या है उसके साथ उसका बेसिसिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा एसिड का, H×2, दो हाइड्रोजन है प्लस सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, इसलिए 0×4 बाय बेसिसिटी। तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 98। टोटल मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98, और बेसिसिटी है 2, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना निकल गया, 49। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3, और इसका क्या नाम है, फास्फोरस एसिड। H3PO3 का क्या नाम है, फास्फोरस एसिड, यानी कि फास्फोरस एसिड का अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड जो कि इस तरीके से निकालते हैं, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, फास्फोरस सिंगल है प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो वो इंटू 3 बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी कितना है H3PO3 का, वो होता है 2। तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास 1×3 प्लस फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16×3 बाय 2, यानी कि 82/2। इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, यानी कि फास्फोरस एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना निकल गया, 41। ये अब हम लोग देखिए एसिड के केस में। यदि अब हम लोग बेस का केस में देखें कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेस के केस में, यानी कि अब हम लोग चलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, यानी कि बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो बेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो OH- आयन किस में देगा, वाटर में। तो OH- आयन जो वाटर में देगा वो कैसा होता है, बेस होता है। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालने के लिए हम लोग किसका जरूरत पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, जो उस बेस का मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर देंगे एसिडिटी ऑफ बेस, उस बेस का क्या एसिडिटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, NaOH क्या है, बेस है। जब हम लोग इसे वाटर में देंगे तो क्या हो जाएगा, OH- बाहर आएगा। तो मॉलिकुलर मास ऑफ बेस क्या हो जाएगा, Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बाय इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा इस बेस का, 1।
तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 41 बाय 1 से करेंगे तो 40 निकल गया, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, यानी कि इस बेस का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 40 आ गया। दूसरा एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल है ECaOH2, यानी E क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे हम लोग, CaOH2 का। तो सबसे पहले हम लोग जरूरत पड़ेगा उसका मॉलिकुलर मास का, तो मॉलिकुलर मास सबका निकालेंगे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो O इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो H इंटू 2 बाय इसका एसिडिटी इस बेस का कितना हो जाएगा, 2। तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1 into 2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा इस बेस का, वो होता है 2, यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 2 ये हो जाएगा 74, उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2, तो 74 बाय 2 यानी कि 37। तो CaOH2 का जो इक्विवेलेंट वेट आ गया वो आ गया 37। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है, EKOH, E क्या है इक्विवेलेंट वेट, KOH का निकालना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉलिकुलर मास का, तो एक है पोटासियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बाय इसका एसिडिटी कितना हो गया इस बेस का, वो होता है 1, तो 39 प्लस 16 प्लस 1 बाय 1, तो यानी 56 आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH। तो आप यहां से हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो बेसिसिटी वाला टर्म या फिर एसिडिटी वाला जो टर्म आ रहा है उसे आपने बताया कि इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पे इसका बेसिसिटी या फिर एसिडिटी 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगा हम लोग निकालना सीखेंगे कि हम लोग इसका जो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है H2SO4 या फिर KOH, इसका एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, दो केस तो हम लोग कर चुके हैं एसिड और बेस का, अब हम लोग सॉल्ट का केस देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट, उस सॉल्ट का क्या मॉलिकुलर मास है, और दूसरा चार्ज ऑन केटायन और एनायन, उस पर कितना चार्ज है उस कंपाउंड पे, या फिर केटायन के टर्म में रहे या फिर एनायन के टर्म में रहे, हमें वो नहीं देखना, हमें ओनली देखना है चार्ज। तो फॉर एग्जांपल ENaCl, यानी कि E क्या इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे, NaCl, NaCl क्या सॉल्ट है, तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्ट का क्या हो जाएगा, Na+Cl, इसका देखिए चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन, यदि इसको ब्रेक डाउन करेंगे Na+Cl-, तो एक ही चार्ज ना आ रहा है प्लस या फिर माइनस, एक ही चार्ज आ रहा है, हमें केटायन और एनायन नहीं देखना है, बस चार्ज देखना है, चार्ज कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, चार्ज कितना 1, तो टोटल आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट ENaCl 58.5। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि EHCO3- का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है 0 into 3। अब चार्ज देखिए, चार्ज कितना है, यहाँ पे 1 ही चार्ज है, या तो वो केटायन है या फिर एनायन है, हमें वो नहीं देखना, हमें देखना चार्ज कितना है, तो चार्ज 1 है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तब हम जानेंगे कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का कुछ और भी डिस्कस करेंगे। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।